झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कुशवा समाज हुए एकजुट। इस बार कुशवा समाज के सभी लोग अपने समाज को एकजुट कर ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाने का लिया संकल्प। हजारीबाग में 15 अप्रैल को प्रमंडलीय बैठक में इसकी विस्तार रूप से समाज के सभी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे और झारखंड का विधानसभा चुनाव में अपने अपने जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी लेने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। कुशवा समाज का कहना है कि कुशवा को इग्नोर करके झारखंड में सत्ता पाना मुश्किल है। झारखंड प्रदेश में कुशवा समाज की इतनी बड़ी आबादी है, तमाम राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे और संख्या बल के आधार पर भी लोगों को राजनीतिक रूप में अवसर देंगे, लेकिन राज्य में बड़ी शरणा की स्थिति बना हुआ है कि हमको कुशवा समाज को तो ना तो सामाजिक न्याय देने के लिए लोग तैयार है और ना तो संख्या बल के आधार पर हमको राजनीतिक भागीदारी देने के लिए तैयार है। ऐसे विषम परिस्थिति में हम लोग पूरा राज्यव्यापी दौरा हो रहा है और अभी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 15 सितंबर को हम लोग प्रमंडल स्तर का एक प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किए हैं, जिसमें पूरे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का लोग, जहाँ चतरा की धरती, जहाँ हमेशा कुशवाहा समाज हमेशा लोकसभा में नेतृत्व करते आया, उपेंद्र प्रसाद वर्मा से लेकर नागमणि से लेकर के हमेशा नेतृत्व का यहाँ से आया, लेकिन कुशवाहा समाज का आज नेतृत्व का मामला में तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ चतरा में भी काफी अपना समाज के साथ अन्याय कर रहा और यहाँ पर भी 2 विधानसभा है जो कि आरक्षित कर दिया गया है, कुशवाहा बहुल है, तो यहाँ पर भी हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि चतरा सिमरिया को भी आरक्षण से मुक्त किया जाए। कुशवाहा बहुल आपको पाटन छतरपुर और आपका वहाँ जमुआ, वहाँ भी आपको कुशवाहा बहुल है, उसको भी आरक्षित किया गया है। तो सिर्फ कुशवाहा बहुल को ही चुन चुन करके आरक्षित करना न्याय संगत नहीं है, इसलिए परिसीमन भी 2011 आया, उसमें भी सीटों को बदलने की बात थी, उसमें भी कुशवाहा समाज के लोग को अपेक्षा था कि सीट बदल जाएगा और कुशवाहा समाज को भी लीडरशिप में अवसर मिलेगा। इस तरह से अभी भी फिर परिसीमन आने वाला है, सीट संख्या बढ़ने की भी बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग भी कुशवाहा समाज की तरफ से हमेशा मांग करते आ रहे हैं कि चतरा और सिमरिया 2 विधानसभा को आरक्षण से मुक्त किया जाए ताकि कुशवाहा बहुल इलाका यहाँ भी MLA विधानसभा का चुनाव में भी इनको आरक्षण में एक अवसर में आरक्षण से हटा देने के बाद इनको भी राजनीतिक मामला में एक अवसर मिले। और अभी प्रमंडल सम्मेलन करके हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि ये राजनीतिक दल के लोग अगर हम लोग को टिकट देंगे, राजनीतिक रूप से अगर आगे बढ़ने का अगर अवसर देंगे तो इसे दल को हम लोग साथ और सहयोग करेंगे, अन्यथा हम लोग कुशवाहा समाज के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और अपना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सब संकल्पबद्ध हुए हैं, हम लोग सजग भी हो रहे हैं और हम लोग संगठित भी हो रहे हैं। अब कुशवाहा का जो राजनीतिक अधिकार है उसको अब हमारी करने नहीं देंगे। अभी पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में कोई इस तरह का कुशवाहा समाज के लोग नहीं मुखर होकर बोले कि सब तीनों चारों जो आप विधानसभा बता रहे हैं उसको मुक्त किया जाए इसी से? अभी वर्तमान समय में हम उसमें 2000 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री स्तर तक भी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हम लोग लिखित रूप से दे चुके थे कि चतरा सिमरिया और जमुआ विधानसभा को आरक्षण से मुक्त किया जाए, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब भी अलग राज निर्माण के बाद से लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि 2011 में परिसीमन जो टल गया उसके बाद फिर अभी 2029 में भी परिसीमन का बात आ रहा है, विधानसभा सीट संख्या बढ़ने का बात आ रहा है, लोकसभा सीट संख्या भी बढ़ने की बात आ रहा है, तो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि कुशवाहा बहुल जो इलाका है उसको आरक्षण से मुक्त किया जाए और साथ में तमाम राजनीतिक दलों से अपील हम लोग कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी में भी कुशवाहा लोगों के साथ में अन्याय नहीं किया जाए। अभी तक कुशवाहा समाज के लोगों के साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है, जिसका कुशवाहा महासभा घोर कड़ा विरोध करती है और अभी हम लोग परमंडलीय सम्मेलन के बाद में वहां से निश्चित रूप से हम लोग कहने जा रहे हैं कि अगर हम लोग को अगर टिकट जो राजनीतिक दल नहीं देगा उस दल को हम लोग कुशवाहा लोगों के गांव घुसने नहीं देंगे और कुशवाहा समाज के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करके हम लोग अपना उम्मीदवार जिताने का काम करेंगे। उसके लेकर के समाज कितना कटिबद्ध है? अभी हम लोग जिस तरह से पूरे समाज के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं और समाज के लोगों का जो जागरूकता और जो समझदारी और जो एक बद्धता उनका उसके अंदर में जो आ रहा है, हम समझते हैं कि 2024 में हम लोग कुशवाहा समाज के लोग अपने संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो भी संघर्ष करना होगा, प्रयास करना होगा, उसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या कोई पार्टी से बातचीत चल रही है? हम लोग तमाम राजनीतिक दल के लोग से अपील कर दिए हैं, चाहे इंडिया फोल्डर के लोग हो चाहे आपका NDA फोल्डर का लोग हो, सबको कह दिया गया है अगर मान लीजिए टिकट दे तो अच्छी बात है, तो उनकी पार्टी का ही
सत्ता में आने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि झारखंड में 25 से 26 विधानसभा है जो कुशवाहा बहुल है, और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का 11 विधानसभा है जहाँ की कुशवाहा लोगों का एक अच्छी आबादी है। तो आज अगर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी मुश्किल, अगर हमको कम से कम 7 से 8 सीट भी अगर कोई राजनीतिक दल देता है तब जाके हम लोग विचार करेंगे, नहीं तो कुशवाहा समाज के लोग हम लोग सजग और संगठित भी हो रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और जो राजनीतिक दल अगर आज के दिन में जिसको कि राजसत्ता का में आना है तो निश्चित रूप से इतना बड़ा समुदाय के साथ में उसको अन्याय नहीं करेगा, उसको टिकट देने का काम करेगा, आगे बढ़ने का अवसर देगा, तो कल उस पार्टी का भी राजसत्ता में आने का या राजपाट में आने का उसको अवसर मिलेगा। और अगर कुशवाहा समाज का अनदेखी करेगा तो कुशवाहा समाज अपना जो राजनीतिक बदला लेना है वो बदला ले लेगा। समाज को अब क्या बोलना चाहिएगा जो 15 तारीख का प्रोग्राम जो कर रहे हैं सम्मेलन, हम लोग एक प्रतिनिधि सम्मेलन रखे हैं, बाकी अभी तो फिर जगह जगह हम लोग तो मास मीटिंग कराएंगे, और मास मीटिंग करने के बाद में जो राजनीतिक दल कुशवाहा समुदाय के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करेगा, जो राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी देने का काम नहीं करेगा, वैसे दलों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे।